लीजिए, एक आप ले लीजिए, एक मेरा। यहाँ चल रही है टीवी, ये हम खाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू नाजिबिशेक ब्लॉग। तो आज है अन्ना या दिन स्टार्ट हो चुका है और मैं आ गई हूँ हमेशा की तरह किचन में, और अभी मेरा टाइम हो गया है खाना बनाने का, तो चलिए बनाते हैं खाना। मैंने इडली का बैटर रख लिया है तैयार करके। इडली के मोल्ड को ग्रीस कर लेती हूँ, इससे क्या होता है कि ये इडली इसमें लगेगी नहीं। तो ये इसी तरह से मैंने सभी कर लिए हैं, और मैं इसको नीचे थाली पर रखती हूँ ताकि नीचे से कुछ डस्ट वगैरह ना लग जाए। और ये भी मैंने रेडी कर लिया है, बस इसमें इनो डाल दूंगी। हाँ, पानी में बॉईल आ चुका है खत्म। मेरे पास हमेशा मैं ये पूरा इनो का पूरा पैकेट रखती हूँ, तो इसमें दो पैकेट और बचे हैं, तो अब उसमें बॉईल आ गया है। जल्दी से इनो डाल देते हैं। तो अब इसमें ये रख देते हैं। चलो ये अब रख देते हैं सेकंड वाला भी। फिर मैं इसमें तड़का तैयार कर दूंगी इसका, सांभर का। पर जब तक मैं फ्री हूँ तो उधर जाके बैठ जाती हूँ किचन में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमारे यहाँ का आज हो रहा है मौसम इस तरह से, बाहर धूप आ रही है, हल्की सी धूप आ रही है, पर गर्मी बहुत है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए गाइस, फाइनली इडली रेडी हो गई है, कितने अच्छे से एकदम फुली फुली इडली तैयार हो गई है। ये इमली का पानी और ये सांभर में डाल देंगे। अभी मैं ये कपड़े हैंग करके रख देती हूँ। ये क्या होता है गाइस, हमारे कपड़े मोस्टली ऐसे ही एक बार हम निकाल लेते हैं, उस वजह से वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, तो और ये जॉब पर जाते हैं तो कपड़े हमारे ऐसे ही रह जाते हैं, फिर इनको लगाना मेरा ही काम है, ये तो कभी लगाते नहीं। इसीलिए तो तुमको लेके आए हो शादी करके, कपड़े लगवाने के लिए। कपड़े लगवाने के लिए लेके आए, और इन्होंने इतना वो बेकार कर रखा है, वार्डरोब उधर का भी सही करना पड़ेगा, खराब हो गया। जरा भी बिखर हो जाते हैं, कितना भी अच्छे से सेट करके रख लो। एक चलो ये तो हो गए, आज तो आपने अच्छे से खाया खाना, या उस दिन कितनी लताड़ लगी थी आपको, उसमें जो भी है अच्छे से खा लिया करो, मैं इतनी खुशी से बनाती हूँ आपके लिए, लोगों ने ये कहा, और आप होगी नखरे करते हो गाइस, आपने उस दिन इनको ना सही फटकार लगाई, तो ये उस दिन से थोड़े सही हैं, और आज इन्होंने खाना खा लिया। खैर आज वैसे भी मैंने इनकी पसंद का ही बनाया, क्यों पसंद का, तो पसंद का तो ऐसे बोल रही जैसे कि छप्पन भोग बनाए, इडली सांभर ही बनाए। इनको देखो ये क्या बोल रहे हो, पसंद का तो ऐसे बोल रही जैसे नहीं कोई छप्पन भोग बनाया, इडली सांभर ही बनाया था आपको पसंद तो है। देखो गाइज आज भी इनके लिए वो नहीं है, आज भी देखो कैसे सुना रहे हैं, ये सुना नहीं रहा वो, तुम मेरी क्या कहते हैं सारी पोल खोल देती, चुगली करती रहती हो जब देखो तब। क्या चुगली, नहीं इसमें क्या, मैंने मुझे ये बताओ गाइज इसमें मैंने क्या चुगली की, इसको पकड़ना। अब आप खाना नहीं खाओगे तो मैं सबको बताऊंगी ना, सबको पता कैसे चलेगा आपके बारे में। तो अब ये डेली ब्लॉगिंग होती है, डेली ब्लॉगिंग में जो भी होता है तो वही सबके साथ शेयर करते हैं, तो आप नखरे कर रहे थे उस दिन, तो मैंने बता दिया सभी को। नहीं तो एक दिन मैंने क्या, एक दिन मैंने बस वो खाना मुझे पसंद नहीं आया, तो तूने पूरे जगत में ढिंडोरा पीट दिया बात ये है कि आपकी पसंद का बनाया, ये तो नहीं है ना, मैं आपकी पसंद का नहीं बनाती। आपके ऊपर लाइट क्यों नहीं आ रही है, हाँ इधर आना, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, उधर बहुत ज्यादा अंधेरा लग रहा था। मैं तो जब से शादी हुई अंधेरा ही है। अच्छा उजाला गायब हो गया अब तो। देखो ये कैसा बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, क्या करे अब, खैर जाने दो क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े फालतू के। सही, हाँ तो दिन भर बैठे बैठे मेरी चुगलिया करते है, तो उस दिन वो सब्जी एक मैंने क्या बोलते है, मुझे वो सब्जी पसंद नहीं है, अच्छी नहीं है, तो तुमने ढिंडोरा पीट दिया पूरे जगत में। आज एक इडली सांभर क्या बना दिया, तो फिर भी तुम दुनिया को बता रही हो कि आज मैंने इनकी पसंद की बनाई, इनकी पसंद की बनाई, तो नहीं बताना चाहिए मुझे, बताऊंगी मैं।
तुम मेरी चुगलियां करती हो ना, आज मैं तुम्हारी चुगली असलियत बताता हूँ लोगों को। क्यों? जब देखो तब फोन उठा के बैठ जाती है, और पिछले 2 दिनों से जब भी ये इसका फोन देखो एक ही एक बजता रहता है। वो क्या जो बजता? अभी ट्रेंडिंग गाना चल रहा, वो जो गाना चल रहा है ना बिकी कौशल का, इधर दिख रहा है क्या? बिकी कौशल का, तो वही मैं देखती रहती हूँ। जब भी रील्स ऑन करो तो वही आता रहता है, वही तौबा तौबा उस पर ही रील्स आ रहे हैं सभी के। तो मैं सबका डांस देखती रहती हूँ, किसने रील सबसे अच्छी बनाई, तो ये मुझे बोलते हैं हर वक्त, बस वही इसको चेंज कर। ये इरिटेट हो जाते हैं कि कुछ और नहीं सुन सकती क्या? अब जब वो इंस्टाग्राम पर वही आ रहा है अभी सब। तो आपको पसंद नहीं तो ऐसा थोड़ी है किसी और। अरे मेरे कान पक गए उस गाने को सुन सुन के, मतलब आधे घंटे तक उसको चलाए जा रहे चलाए जा रहे। मैं कहा बंद कर दे, अब इसको मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो इन्होंने इन्होंने पता ही क्या किया, आपने मुझे एक चांटा मारा। देख अब देख, सच में मेरी बुराई जहाँ पे तुम्हें करनी हो ना, तो तुम ऐसे लोगों को बताती हो जैसे कि मैंने तुमसे बहुत तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार कर दी हो बेचारी। बहुत ऐसी क्यों चाटा नहीं मारा था क्या? करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो तुम। अच्छा अच्छा, तो कैसे मारा था आपने? कैसे मारा था तुम्हें बताओ। ऐसे ऐसे मारा, देखो ये चाटा नहीं है क्या? आपने मुझे ऐसे ही मारा था। ठीक है करो करो, तुम मेरी बदनामी करो, वैसे भी पूरे जगत में मुझे बदनाम तो कर रखा है। सही बात है, और सही, जो बदनाम उसी का नाम है। हाँ ये वाली बात सही। इधर इधर लाइट का फोकस सही आ रहा है। अब क्या लाइट का फोकस, जिंदगी में लाइट नहीं है। ऐसा क्यों हो गया आपकी लाइफ में? मेरे लाइट का कनेक्शन कट गया। लाइट का कनेक्शन कट गया? लाइट तो आ रही है ये देखो। हाँ, मेरी जिंदगी के लाइट का कनेक्शन कट गया। अच्छा ये देखो, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लग रहा है कि आपके ये आप बहुत ज्यादा अत्याचारी बन चुकी हो। अब हिंदू हस्बैंड का मुस्लिम वाइफ पर अत्याचार शुरू हो चुका है। अब आप मेरे ऊपर ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करोगे, चाटा मारोगे, कभी डांटोगे, पर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी आवाज उठाऊंगी और दुनिया को सुनाऊंगी। सबको बताऊंगी कि आप मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। मैं चुप नहीं रहूंगी, ये मैं सोचना कि मैं चुप हो जाऊंगी। अरे तो तुम्हें मैं चुप नहीं रख सका था, तुम चुप खुद क्या रहोगी। तुम्हें बेचारी हमारी वो YouTube की ऑडियंस चुप नहीं कर सकती, मैं क्या चुप करूंगा। तो मजा आता है सुनने में, तो बोलते हैं आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, आप बोलती हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोलती जाती हूँ कि तुम मेरे पे आजमाती हो। और क्या, पहली बार हिंदू हस्बैंड करेगा मुस्लिम वाइफ पे अत्याचार। हाँ, ये कभी नहीं सुना होगा यूट्यूब पर हमारे चैनल पर। अब आपको यही सुनने को मिलेगा, ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लग गए हैं। तो आज उन लोगों को बहुत मजा आएगा जो ये चाहते थे कि अपने बीच में झगड़ा हो। अब मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं करती, और आप भी आकर मेरे पर जब ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करोगे तो फिर मुझे भी गुस्सा होगा, इसलिए मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। मैं आज के टाइम की लड़की हूँ, 21वीं सदी की लड़कियां चुप नहीं बैठती है, अपने राइट के लिए बोलती है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे 19वीं सदी की कोई लड़की गलती से 21वीं सदी की लेके आ गया। 19वीं सदी की ही लानी थी। अब कम से कम काम तो करती, घर के जितने काम करती है उतने ही ज्यादा सुनाती है मेरे। हाँ तो सुनाएंगे, नहीं तो सुनाएंगे, इसको सुनाना नहीं कहते, इसको अपनी अहमियत, अगर लड़की ही उसकी अहमियत नहीं करेगी तो दूसरा पर्सन क्या करेगा। इसलिए हर इंसान को अपनी अहमियत पता होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, तुम्हें बताने की जरूरत। हाँ तो गाइस, अब मेरे ऊपर तो ऐसा अत्याचार चलता रहेगा, और जो भी मेरे ऊपर अत्याचार होते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, चुप नहीं रहूंगी मैं। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अपना ओपिनियन दीजिए, और इनके बारे में भी आप कुछ बोलिए कमेंट में कि ये मेरे मुझे चाटा क्यों मारा इन्होंने। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।